योग होता है जो निश्चित पाठ्यक्रम एकीकरण है, वो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के कार्य निश्चित कर देती है। जैसा कि इससे यह होता है, शिक्षकों को यह भी ज्ञात होता है कि उन्हें शिक्षार्थियों को क्या सीखने में सहायता करनी है, और शिक्षार्थियों को भी यह पता रहता है कि उन्हें क्या सीखना है। इससे कोई भी अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं, दोनों स्वतः अपना कार्य समय में ही परिपूर्ण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसा सभी को पता है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संप्रयोजन क्रियाओं में रुचि लेता है और ऐसा कार्य करना चाहता है जिससे क्या होती है, उसकी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति की संभावना बढ़ती है। पाठ्यक्रम एकीकरण का निर्माण भी हम इन तीन बातों को ध्यान में रखकर ही करते हैं। इससे यह होता है, जो बालक होते हैं उसको करने में पूर्ण रुचि दिखाते हैं, और इस संबंध में यह भी माना जाता है कि जब बालक पर्टिकुलर उस कार्य को एक निश्चित समय में करता है ना, तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है और वह बड़े ही उत्साह के साथ क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्रत्येक कार्य को करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण संभव होता है। जैसा हमें यह भी पता है कि किसी भी स्तर की निश्चित पाठ्यक्रम एकीकरण में उस स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों की सामग्री, पाठ्यक्रम कहते हैं, भी निश्चित हुई होती है। इसके आधार पर लेखन पाठ्य पुस्तकें हम तैयार करते हैं और उनमें आवश्यक सामग्री को ही स्थान देते हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों का जब अभाव होता है तो शिक्षण क्रिया अनियंत्रित और अव्यवस्थित होती है। इसकी कल्पना आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा का स्तर समान रहता है। जो निश्चित पाठ्यक्रम एकीकरण है उससे पूरे समाज की शिक्षा का स्तर समान रहता है। उसके परिणामों से हमें शिक्षा में सुधार की सही दिशा प्राप्त होती है। अनिश्चित पाठ्यक्रम एकीकरण की स्थिति में हम शिक्षा स्तर के उठने अथवा गिरने के कारणों का पता नहीं लगा सकते, और उस स्थिति में हम क्या नहीं कर सकते, शिक्षा की स्थिति में सुधार नहीं कर सकते। और सबसे मेन और मुख्य है इवोल्यूशंस वाला पॉइंट, मूल्यांकन संभव और सरल होता है, क्योंकि प्रत्येक स्तर विशेष के लिए जो पाठ्यक्रम एकीकरण है, इसके निश्चित होने से क्या होता है, प्रत्येक स्तर पर जो भी विद्यार्थी होते हैं उनके योग्यता का मूल्यांकन करना हमारे लिए संभव होता है। यदि किसी स्तर के लिए कोई पाठ्यक्रम एकीकरण नहीं होगी तो शिक्षक बच्चों की योग्यता का मूल्यांकन कैसे कर सकेंगे? शिक्षक किसी स्तर विशेष के बच्चों की योग्यता का मूल्यांकन किसके आधार पर करते हैं? पाठ्यक्रम एकीकरण के आधार पर ही करते हैं। तो आज हमने किसके बारे में स्टडी की? करिकुलम इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।